लखनऊ कोरोना का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में आज कोरोना के 70 नए केस मिले हैं, इसलिए वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इससे कोरोना वायरस पर भी नियंत्रण पाया गया। वहीं 20 तारीख से ग्रीष्मकाल का अवकाश शुरू हो जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 21 मई से बच्चों को घर घर टीकाकरण करने की रणनीति तैयार की है। राजधानी में रविवार को 24 घंटे में 110,000 से अधिक टेस्ट किए गए, इसमें 145 केस पॉजिटिव पाए गए। सबसे ज्यादा मरीज नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ में रिपोर्ट किए गए। दूसरी तरफ डॉक्टरों के प्रयास से कोरोना पीड़ित करीब 200 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। इसमें 12 मई को 207 केस, 13 मई को 175 केस, 14 मई को 158 केस, 15 मई को 146 केस रिकॉर्ड किए गए। यूपी में देश के सर्वाधिक 11 करोड़ 26 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुभाष घई के अनुसार 20 मई से स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो रही हैं। तापमान अधिक होने से अभिभावक बच्चों को लेकर बूथ पर नहीं जा रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान पिछड़ रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को टीका घर घर लगाने का फैसला किया है। इसकी जिम्मेदारी ANM को सौंपी गई। ग्रामीण इलाकों में एक ANM दो गांव में टीकाकरण पूरा करेगी, क्योंकि वहीं शहरी क्षेत्रों में एक ANM को दो मोहल्लों की जिम्मेदारी दी गई। खबर सबकी, सीधे आप तक।